अगर आपको मैटेड लिम्फ नोड्स हैं आपकी बॉडी में, कहीं पे भी लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं जहां सूजन है, लिम्फ नोड्स बड़े बड़े दिख रहे हैं और वो जुड़ गए हैं एक दूसरे से. सो बहुत कॉमन सी बीमारियां हैं लिम्फ नोड्स में, जो ग्रैनुलोमैटस डिसऑर्डर्स हैं. जैसे सबसे कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. टीबी की बीमारी में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं बॉडी के वो सूज जाए, क्योंकि लिम्फ नोड्स में आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, आपके फाइटिंग सेल्स होते हैं. तो क्रोनिक बीमारी में शरीर क्या करता है, फाइटिंग सेल्स बनाता जाता है, बनाता जाता है, और उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए, राइट? आर्मी को रखने के लिए स्टोरेज जगह भी तो बन जाएगी. तो इसलिए वो स्टोरेज जगह जो है वो लिम्फ नोड बड़े बड़े हो जाते हैं, और कई बार उन्हीं में इन्फेक्शन घुस जाता है. तो जब उनमें इन्फेक्शन घुस जाता है तो वो इन्फेक्टेड उससे रसे निकलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है. जैसे सूजन सी होती है, सूजन होती है उसमें से सिक्रीशंस होते हैं, और कई लिम्फ नोड एक साथ जुड़ जुड़ के जुड़े होते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं, मैट हो जाते हैं, एकदम स्मॉल मैटेड लिम्फ नोड जिसे कहते हैं. सो स्मॉल मैटेड लिम्फ नोड मोस्ट कॉमन रीजन इज योर ट्यूबरकुलोसिस या ग्रैनुलोमैटस डिसऑर्डर्स. आइडियली उसको उसमें से बायोप्सी होनी चाहिए, आइडियली उसका बाकी क्लिनिकल सिम्टम्स देखने चाहिए. आपको एक स्पेशलिस्ट, अगर पेट में है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, दूसरे है तो दूसरे से बातचीत करनी होगी. दिस इज अबाउट स्मॉल मैटेड लिम्फ नोड्स.